दलित आदिवासी परिवार से दबंगों ने की मारपीट, गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। डायल 100 को दी गई सूचना। रविवार सोमवार रात 1 बजे की घटना। सिग्नी मालवा। दबंगों द्वारा दलित आदिवासी परिवार के साथ घर में घुसकर रात 1 बजे तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की, जिसके बाद दलित आदिवासी परिवार ने डायल 100 को इसकी सूचना दी। एक घायल को सिग्नी मालवा अस्पताल तो दूसरे को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला कोटला खेड़ी गांव का है, जहां जमीन विवाद के चलते चौकीदारी करने वाले दलित आदिवासी परिवार से मारपीट की, चौकीदारी के परिवार को जमकर पीटा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। बताया जा रहा है दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, को चौकीदारी करने वाले परिवार के साथ जमकर पिटाई की गई। दलित आदिवासी परिवार के साथ ही मारपीट को कांग्रेस के पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं पुलिस ने मामले को जांच में लेकर कार्यवाही की बात कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश। क्या हुआ था कल? मेरे पापा को बहुत मारा है, कोई गुंडे आए। कितने लोग आए थे? 10-12 जन। काय से मार रहे थे? डंडा से। किसको लगी बेटा? मेरी बहन के हाथ में पड़ गया और मेरे पापा को पड़ा गया। मेरा हाथ पापा के इतने पड़ गया। तुमको भी लगी? पापा के इतने से पड़ गया हाथ। क्या बोल रहे थे मार के समय? एक सर मारा तो एक नहीं मान लिया उसने। हाँ। सर मार जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? कामराज। क्या हुआ था कल पूरा? कल सर मैं मतलब खाना आना बना के उसमें हम सो रहे थे, 4 बच्चे, 2 बच्चे और एक मेरा दोस्त, मतलब वो भी साथ में वहीं पे चौकीदारी करता था, तो वो हम सो रहे थे। अब जब पता लो कि कौन सी गर्दिश क्या है, क्या भगवान जाने, अब जो तो मेरे को जानकारी नहीं, नाम भी नहीं जानता हूँ मैं, तो मेरे कहा क्या है रात में 12-1 बजे के करीब में आके, 12 बजे करीब में आके और मेरे को खूब मारा, मेरे को मारा जो बच्चों को भी मारा और मेरे साथ का एक लड़का वो था उसको भी मारा। कितने लोग आए थे और क्या बोल रहे थे? कम से कम नहीं तो 10 लोग थे साहब। और उसके बाद में कहने लगे कि ये जंगल तुम्हारे बाप का है, तुमने कृष्ण से पूछ के ये बनाया टपैया और ये और वो सब, और सब भयंकर मारा मुझे, ये मेरे पूरे हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। कितने लोग चोटे हुए? चोट में 4 लोग हैं, वैसे हम 2 बड़े हैं और 2 बच्चे हैं। पाइप से मारा आपने? लठों से मारा था, पाइप से, रड से। अभी कोई शिकायत है इस मामले में? हाँ, इस मामले में मैंने 100 नंबर पे डायल किया था, तो उस पर मैंने डायल करने के बाद में उन्होंने मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए हैं। पहले भी कोई विवाद हुआ था? पहले उनकी क्या है पटेलों की विवाद होती रहती थी साहब, मैं तो क्या है चौकीदार हूँ, मतलब झाड़पेड़ों की रक्षा के लिए चौकीदारी रखा था मेरे को है? और एक लड़के को तो भाई मेरे को आके और मारा पीटा, और बच्चों को भी मारा पीटा और मेरे साथ वाले को भी मारा पीटा, साथ वाला भाग गया है। वहाँ मुझे कोटलाखेड़ी गाँव के आदिवासी व्यक्ति मिला जिसके दोनों हाथ नहीं उठ रहे थे, दोनों हाथों में शायद फ्रैक्चर है। मैंने डॉक्टरों से पूछा तो रात को कोटलाखेड़ी गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और वो देवोत्तम गौर पटेल साहब के खेत में रखवाली करने के लिए थे और एक साथी और था उनका, और इन लोगों को रात को उन्होंने बेरहमी से मारा है। उनके हाथ मेरे ख्याल से टूट गए, तो हमने उनको फल वल देना चाहा तो उनके हाथ उन्होंने उठा नहीं पाया, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, उन लोगों को फल दिया। और उसके बाद हमने हमारे कार्यकर्ता साथियों से बोला इस संबंध में तत्काल अपने यहाँ स्टेशन ऑफिसर से मिल करके और इसमें देखा जाए क्या कार्रवाई हो सकती है, और अधिकारियों से अस्पताल से कहा कि उनका समुचित इलाज हो और उसके लिए जो भी अगर कुछ असुविधा हो या पैसे की कमी हो तो हम उनकी आर्थिक मदद भी करेंगे और उनको किसी तरह का कष्ट ना हो और पूरी तरह से कार्रवाई हो। लगातार
ये मुझे लगता है एक तरह से सत्ता और असामाजिक तत्वों का एक संगठन मिलकर के सामूहिक रूप से इस प्रदेश में आतंक का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा भीकर गांव में जनपद पंचायत के सीओ साहब को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा, उसी तरह से निमावर में 5 आदिवासियों की जघन्य हत्या कर दी गई, इसी तरह से आज कोटलाखेड़ी में हुआ है। आपने इसी तरह देखा होगा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई उमा शंकर चंद्रायन का भी अभी तक हत्याकांड का पता नहीं लगा। इस तरह से आप देखेंगे तो कोई भी चीज अंतिम उसका निकाल नहीं हो पा रहा, किसी भी जांच का अभी तक कोई सिरा भी नहीं मिला, और जो जिस तरह से ये सब होते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सत्ता के लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त है। निमावर में 5 लोगों की हत्या हो गई, ये बहुत इस तरह से प्रदेश में जो हो रहा है ये निश्चित रूप से मानिए अराजकता का माहौल है, और जिस तरह से ये चलेगा तो ज्यादा दिन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अभी तो क्या कोविड का टाइम चल रहा है तो ज्यादा आंदोलन धरना प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं है, इसलिए जनता में जो आक्रोश है उसको सरकार कोविड के नाम पर दबाना चाहती है, और वो चाहती है कि प्रदर्शन भी ना हो, आंदोलन भी ना हो, धरना प्रदर्शन भी ना हो। जबकि इन्होंने पिछली बार विधानसभाओं के 23 विधानसभाओं के चुनाव भी कराए, उस समय भी कोविड था, लेकिन अभी भी इन्होंने सारी छूट दे दी, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों की, धार्मिक कार्यक्रमों की, वैवाहिक कार्यक्रमों की किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही। अभी हमें जानकारी में आया है, ये मेमो आया है अस्पताल से मारपीट का, तो उस पर अब जांच की जा रही है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है पारधी लोगों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का बात आई है सामने, तो उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी।